इ कांग्रेस वाले नु कहयो बीजेपी का आदमी है हम ना बुलायो दा बणता यार मैं के दा बूंगा यार इतने बड़े आदमी आने जिनके 30 30 एमएलए इतनी बड़ी पार्टी उस्ने मैं दाब दूंगा के हैं फिर कांग्रेस वाले ते बीजेपी का कहे बीजेपी वाले नु कहयो कांग्रेस का है इसने तो बोला ना कांग्रेस वाले चढ़ा रहे हैं बोला ये देते होंगे के मैंने मैं को उड्डा साहब भी दे दो के मैं और खट्टर साहब भी दे दो के मैं दोनों जो भी देंगे ना माल मैंने जो भी पैसे देंगे कति एक-एक पैसे का हिसाब दे डाला मामला है अरे छोरी छेड़ खेल मंत्री अरे तुम तो उसका डिफेंड करो हम यही था बात दोनों नार्को टेस्ट कर दोनों कर हाँ, दूद का छोरी तो अगर गलत है झूठ बोल रही है तो उसने जेल में गिरो बिल्कुल अरे इसने अगर गलत कर रखे इसके जूते मारे मारने जेल में तीर भी हो दो हाँ दूध तो फिर हो भी ना भाई क्योंकि फिर आदमी नू दिखा ना माल, से माल ना ना लागे। मैं भाई। मैं ना भाई तो ना बोल गया वो तो खुद बोल रही हैं जब वो खुद नाग रही हैं अक मारे मेरे इलाके में उड़ा स्कूल ला में टीचर नहीं है तो सोच के देख सको आप के जब जिस उप मुख्यमंत्री की माँ की जो है हालात ये है अक बेचारी मैं तो बेचारी कहूंगा अक उससे ही ना सुनती सरकार तो किस किसी साऊदेवी लाल हॉस्पिटल बनवा के गया आज उसमें डॉक्टर नहीं है चार से बालक मर गए

कोट पैंट दरिया होंगे थारे शेरवानी दरिया होंगी इन कुरिया ने दे दियो वे पैर गए बढ़िया तैयार त्यार होकर आइयो उ गुलाब जामुन मिल लेंगी अपनी रोटी खा कर और बांध लेंगे क्योंकि झूठिया मिल लेंगे बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि छोरी सरकार की है हाँ बढ़िया ड्रेसअप होगा यो बराती किस भी टाइम बटेऊ में तब्दील हो खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू बालेगी राम राम हमारे साथ में जो शख्सियत मौजूद है शायद किसी परिचय की मोहताज नहीं है ईसा शायद ही कोई शख्स होगा हरियाणा में तो जो इनका चेहरा ने नहीं जानता होगा क्योंकि किसी भी मुद्दा ती ले आप जिसमें न्यू दिखा है थोड़ा सा भी जो उलझाल है तो पक्के इन्वॉल्व पाएंगे तो स्वागत है जी आपका तबीयत कैसी है जी तबीयत ठीक है ठीक रहे हरियाणा ही क्या तबीयत है हरियाणा ही तो खराब हो रही है भाई ਹਰਿਆਣਾ ਕੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਉਸਕੇ ਉੱਪਰ ਨਸ਼ਾ ਉਸਕੇ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜਵਾਨਾ ਕੀ ਬਾਤ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਬੁੱਢੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਿਰ ਹੋਰ ਗਰੀਬਾਂ ਗਿਆ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੱਟਦੀ ਥੀ ਨਾ ਪੀ 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 ਕੇ ਵਾਈ ਡੀ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਨਾ ਫੈਮਲੀ ਆਈ ਡੀ ਇਨਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੂਰੇ ਨਾ ਆਦਮੀ ਮਰ ਲੇਗਾ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਕਾਗਜ਼ ਪੂਰੇ ਕੋ ਨਾ ਇਨਕੇ ਅਰੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਇਹ 10 ਲੱਖ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਦिए ਰੋਜ਼ ਇਤਨੇ ਫੋਨ ਆਉ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਤੱਕ ਕਤੀ ਮਾਥਾ ਪਾਟ ਲਿਆ ਨੂ ਬਤਾਓ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨੇ ਲਾਇਗ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਹੋ ਮੈਨੇ ਉੜਦਾ ਤੀਰ ਲੈਣਾ ਖਤਰ ਜਮ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਹੋ ਜੀ ਤੀਰ ਗਿਆ ਵੇ ਹਮ ਤਬਾਲਾ ਠਾਰੇ ਹੈ ਬਾਲਾ ਗੋ ਵੀ ਦੇਂ ਇੱਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਲਟੇ ਦਾ ਟਕੋ ਨਹੀਂ ਜਿਨ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਬਈ ਵੇ ਮਾਲ ਖਮਾਰੇ ਹੋਗੇ ਹਮ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨ ਲੋ ਕਿ ਇਹ ਤਨ ਨਗੜਾ ਫਸਰੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲਾ ਵਾਲਾ ਨਾ ਤੇ ਆਦਾ ਬਲੇ ਹੈ ਇਹ ਨਗੜਾ ਕੇ ਅਗਰ ਸ਼ਕ ਮਾਰ ਦੋ ਰਕੇ ਮੈਂ ਸਹਿ ਨਹੀਂ जेल में गिर सके केस ला सके इस्ते फालतू तो, तो और क्या कर सके और इस्ते फालतू तो कुछ कर नहीं सकती ये माल हो मेरे दौरे भी हो क्या मैं सौ दो छे करोड़े तो फिर हो सके मैं भी ना बोलूँ भाई क्योंकि फिर आदमी न्यू दिखे ना से माल स माड़ जागा बिल्कुल तो लोग दुखी कर रहे क्या कहने का मतलब यो है मेरा कोई पार्टी से या सरकार से कोई या मुख्यमंत्री व्यक्ति व्यक्तिगत थोड़ी है मेरे द्वारा बीजेपी वाला फोन आ रहे हैं ठीक कर रहा है बोला जाइं यार बोला मारिये ना सुनाई भाई होती जो बीजेपी का कार्यकर्ता है मैं यहाँ तक आपको बताऊल तक की बता रहे हूं, मंत्री तक की बता रहे उन नहीं चालती उनका सार्वजनिक काम है लोगों के जो भी है होने हुए हो हैं वे ना होते तो सब दुखी है नैना चौटाला का भी एक बयान आया था जिसमें भाई अपनी सरकार में जी अपने काम नहीं बनेंगे फिर किसके बनाएंगे तो देख लो ना जब यह बात है ना चौटाला आ गए मैं तो ना बोल खाया वो तो खुद बोल रही हैं जब वो खुद खुदनू कह लाग रही हैं मारे मेरे इलाके में में उड़ा स्कूल ला में टीचर नहीं है तो सोच के देख सको आप हाँ जब जिस उप मुख्यमंत्री की माँ की जो है हालात ये है अक बेचारी तो मैं तो बेचारी ये कहूँगा अक उससे ही ना सुनती सरकार किस तो किसकी सुनाई पांच ही भी दो तो, दो तो, तीन दिन पहले ही पहला चौटाला गांव के आदमी आ रहे थे पैदल चल रहे थे करनाल में उड़ गया था जिस गांव में थे पांच आदमी आज विधानसभा में ताउ देवी लाल का गांव जिसमें थे पंद्रह आदमी मंत्री अलग अलग बने हैं उप प्रधानमंत्री तक जो ताऊ देवीलाल लाल हॉस्पिटल बनवा के गया आज उसमें डॉक्टर नहीं है चार से बालक मर गए अगर डिलीवरी तुम मैंने पूछी डिमांड की बोला डॉक्टर आई है मैं डॉक्टर आई अरे चुटाला गांव में भी कौन है तो वे पांच आदमी के करे हैं भाई बताओ तो लोग का यार लोग ने गुलाम मान रहे हैं अपने घर आने बरना ला गए रहे हैं अपने आप तो आपके पास बड़े बड़े बंगले गाडी घोड़े कोठी खांस जुकाम भी हो जा तो बड़े बड़े हॉस्पिटल और लोग मरते हों जब भी उनका इलाज नहीं आ रहा तो क्या करा बताओ तो एक बात नहीं समझ मान दी एक तरफ कमें हैं कि दस दस महकमे उसके पास में है और जो दादा गौतम है उसकी तो आरोप भी लाया था कि खोपर सारे जीम गया क्योंकि था 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 था। तो दूसरी तरफ उसे की माँ कवे है कि काम नहीं बनने लगे तो दोरी मानसिकता को नहीं एक ये वही तो बात है ना इंडिविजुअली फायदा हो हु रहा होगा ना लोगों को अपना इंडिविजुअली कमीशन खाती होंगे सरकार सवाल इस बात का नहीं है व्यक्तिगत आपका क्या है क्या है? नहीं बात है कि डिलीवरी के दे रहे हो गवर्नमेंट क्या डिलीवरी दे रही है लोगों को लोग आने कागज गच कागजा में पागल बना रहे हैं मैं बेरोजगार हैं फार्म भरवा ले है रुपये इकट्ठे कर ले हैं भर्ती करते नहीं कोई भर्ती काटते नहीं आज यो एक वो निगम बना रखे न कौशल बताओ शोषण निगम ये गुजरात मॉडल है आप लोग आना शोषण करो शोषण करो बस नी नहीं बूढ़े हैं वे दुखी कर्मचारी हैं वे दुखी ये पटवारी हैं ये बैठे सारे के ये दुखी सब कुछ तो दुखी है कोई भी को नहीं। साजो, कोई नहीं। देखे है। तो कोई साह भाई हम खुश हैं तो फिर तो हम मान लें भाई हम एम एल ए मंत्री सब इनकी मौज है एक ही मैंने देखा था कल परसों बयान एक वाला चार वाला रिकॉल कराए वाला सरपंचा यही बने तो दो साल में मुश्किल है दो साल का तरफ खा के काम आगा

कोई से मंत्री मुख्यमंत्री सामूहिक सरकार रिकॉल बिल्कुल एक सर्वे ऑनलाइन सर्वे है लोग आने को खर्चा भी नहीं लागना। मैं इबे, दो लाख तो ऊपर का टेंडर तो सरपंच बबली के साथ मैं यही थे। तो कह रहा हूं, को भी तो सुखी नहीं जैसे मान लो सरपंच है सरपंच गांव का सीएमओ है बिल्कुल और तुम उनको पहले ही नुक हो तू बेईमान है जरूरी थोड़ी यार सारा देश सब कुछ बेईमान थोड़ी हो यार है अगर बेईमान है तो तुम्हारा ऐसा सरकार का एक मैकेनिज्म सिस्टम हो, हो बेईमान मैकेजमे तो बड्डा बेईमान कौन है बड्डा कमीशन खोर कौन है सब तक बेईमान फिर तो सब सबका बड्डा बेईमान मुख्यमंत्री फिर मंत्री फिर विधायक बिल्कुल फिर एमपीन ने पकड़ो फिर पहला तो जनता को आप बेईमान बताओगे जनता ने चोर बताओगे जनता ने गुंडा बताओगे और तम बहुत बढ़िया भाई तम शरीफ भी तम ईमानदार भी तम तो हरियाणा का तो हाल ही हो रहा है इसमें कोई नहीं मैं तो बड़का तो कहूँ बेरोजगार आता नौजवान था, था, था। खासकर सरकार चाहे तम बन जाओ सारे नशेडी सरकार चाहे फिर करो क्राइम फिर नहीं, नहीं जेल बनाओ है मैं तो जेल में देख का आया हूँ सत्तर परसेंट लोग निर्दोष हैं भाई साहब 70 लोग निर्दोष हैं और ये तो राष्ट्रपति जी हमारी महामहिम वो कह चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि जेलों में जो तो पड़े हैं उन रहे हो लेकिन सरकार का ये सूट इसलिए करा है अगर नशा पता करेंगे तो फिर उन्हें सरकार से कोई लेना देना है नहीं फोन दे रखे है तड़के मारे जाओ है ना चनगा नाले आइटम आए जाओ हैं देखे जाओ देखे जाओ टाइम पास हो जाए फिर ये टाइम पास तीस पैंतीस साल का हो जाएगा ना आदमी जब मेरा फटागा ये बड़े शिक्षा मंत्री पर आपने एक सवाल उठाया था शिक्षा मंत्री जब खुदे गए हैं दसवीं फैल है तो शिक्षा व्यवस्था कड़ा जाएगी तो देख लेने की जा रही है शिक्षा व्यवस्था जब आई तो मैं उप मुख्यमंत्री की मायनु क्या ला रही है बात करवा लो इंदौर कितनी है ये सारे बयान वीर हैं और अकेले एजुकेशन डिपार्टमेंट में चालीस से पचास हजार वैकेंसी खाली पड़ी है टीचर की वैकेंसी खाली पड़ी है एक मैंने देखा पीछे हुआ रहा था बोला अब भला बच्चों, ना से, से, से बच्चों को ना सुबह भला मंदिरों से गुरुद्वारों से मस्जिदों से पढ़ाएंगे पचास हजार वैकेंसी खा लिया बोला उड़े तो बोला मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में तो अनाउंसमेंट होया करा अनाउंसमेंट है तो पढ़ाएंगे डेंगे मास्टर दो भाई साहब ना तो मास्टर है ना हॉस्पिटल हम चले जाओ कोई डॉक्टर पाओ ना

तो किस तरह का विचार विचार तो देखो मैं जेल में था जेल में कुछ मिलने मुश्किल भीतर जा रहा था तो बोला भाई साहब बूढ़ा तो बरात काट दी जवाना ही करनी चाहिए थी आपने काट दी बूढ़गी मैं मंगा भाई की जरूरी थी जिंदा दिखाना जरूरी था वो फूफा सरकार का पेंशन कार्ड रखी थी नरे मरे दिखा रखे हैं उसने फिर मेरे आइडिया दिया बोला भाई साहब बारात काटो आप बेरोजगार आएंगे मगा भाई ठीक है पक्का मगा तो उड़े तो आइडिया आया फिर वो कार्ड कूड बरात कार तो भाई काट आएंगे तो ब्याह में तो फिर कार्ड तो देने पड़ेंगे वो, वो इन्विटेशन सारे भाई यार आप जिसा गया बैठ के वो इन्विटेशन बन गया और भाई वो इन्विटेशन आपने देखा होगा वो ठीक ठाक है मेरे ख्याल में बाती बूती है अपने विपक्ष वाले जो बोलते ना गूंगा बाती गूंगा विपक्ष है बाकी ये देखो बातियाँ बात भरेंगे बात कि ना भरेंगे बाकी सरकार है भाई सरकार की छोरी है ये सरकार की छोरी का मतलब है समस्याओं का समाधान और नौकरी या है सरकारी छोरी हम तो ये मांग रहे हैं तो इस तरह के मैं जिस तरह से लोग कहीं जने कहे जावा कि नवीन जी कुछ अजीबो गरीब तरीका की भाषा का प्रयोग करें हैं तो भाई जरूरी है कि स्त्रियां दे भाई खान-खतर अलग-अलग तरीका की चीजें हैं अलग-अलग स्त्रियां के मैंले वैंग्या प्रस्तुत करे नाम बात ऐसा कुछ इसी बात तक है मैंने के किस तरह की गलती हूं मैं बताओ खान-खतर आपने सीधा बेरन तो गोबर की बात करी थी पता नहीं गोशे यार गोशे गोबर अच्छी बात है अपने देसी आदमी हम तो देसी है अपनी भारियाने के किसी ने भारियाने भी अच्छी ना लगती ट्रांसलेट करवा लो मदने में बोलूंगा भाई भाई किसी ने गाल गाढ़ दे देता नहीं गाड़ किसी उसकी माफी मांग लेंगे बाकी हरियाणा में ने भाई बेईमान आदमी ने कहा अगर गरीब आदमी के रपयिये खा लिए ये बेरोजगार गरीब है या करप्शन कर दिया तो उसने कहा ना भाई रिश्ता अच्छा तो गोबर खा लेता यार तो उसमें तो मेरे ख्याल में कोई गलत बात है कौन है इसमें क्या है भाई देसी बात है देशी भाषा है अपनी सब है भाई पंजाब आ पंजाबी बोल रहे हैं, हैं। वेदनाशरमाते गुजरात महाराष्ट्र मराठी सब ना बोलनी चाहिए अपनी भाषा हम अपनी पर गर्व है हरियाणा में पता है गवार है हमने गर्व है गवार कह लो बे हरियाणा हम अपने उसको बहुत से लोग थे जब अमरावती कहते हम तो दिल्ली का बताओगे बता लो बताओ अपना हरियाणा का बताओ बोले हरियाणा गार हैं भाई हम तो मतलब जब देश के ऊपर जान देने की बात आवे जब हम, जान हम गवार जब दुनिया में देश में नाम रोशन करना हो खेलना में तो रिया ऊ हम गवार हमारी जिस बोल ली है बोल लिये, लिये बादशाह पे क्यों जाओ भावनाओं पे जाओ यार बिल्कुल बिल्कुल हमारे अंदर वो है कि हम रोड पर पड़े आदमी ना छोड़ते कौन है हम नहीं छोड़ते यो देखा ना वो हरियाणा थे ना कंडक्टर दुनिया का चली गई के चली गई तो ये हिम्मत हरियाणा है किसे के बीच में, में हिम्मत है अपने भी कई और हरियाणा में जो थोड़े पढ़े लिखे है अरुशे हैं नुग यार इसकी भाषा थोड़ी अरे तम रहण दो बुद्धिजीवी अपने घर बैठ के प्रवचन चा पी कर फिर तरक्के अखबार पढ़ गए ये तो बड़ा बोलता बोलता है

बदलना है तो सीएम को बदलो क्या आप सीएम ने भ्रष्ट कहो फिर नहीं मैं मैं यही बात कह रहा हूँ कोई महत्वपूर्ण नहीं है कि आप सीएम अच्छा आदमी है फलाना मैं खुद को अच्छा आदमी है सीएम शरीफ आदमी है एज ए मनोहर लाल मैं बहुत उनकी रिस्पेक्ट करता हूं और आदमी बढ़िया है लेकिन एज ए मुख्यमंत्री एक नंबर का निकम्मा मुख्यमंत्री है एकदम नगर का नकारा मुख्यमंत्री है उसको या तो समझ ही नहीं है और मेरी लड़ाई तो मुख्यमंत्री के साथ है सिस्टम के साथ मनोहर लाल के साथ नहीं है नहीं। जो न्यू मुख्यमंत्री नाराज हो रहा है।, ने के के मैं है हमारी सरकार से लड़ाई है किसी व्यक्ति के थोड़ी है जब मैं कहते यो हमने नंबर जारी कराया था सत्तर सताइस आठ सौ बाईस आठ सौ बाईस इस पर रजिस्ट्रेशन करा लो काल ताईस आदमी गेलिए अरे बीजेपी वाला फोन आने वाला बोला हम भी आओगे बेस बदल का आओगे बोला बड़े ऊँ तो बोला मैं मुश्किल हो जाए बोला सरकार है बोला बाकी काम दाम तो होते बेरोजगार तो बाजगारे भी तो बालक हैं बिल्कुल जो हम इशू उठा रहे हैं उसमें नू थोड़ी है नो ये कौन है हमारी तो सरकार के साथ है और सरकार का मतलब ये यार ये, ये बरात का तो ये इसलिए है भाई अगर धनखड़ साहब ने कही थी आठ साल पहले ही बात है अगर भाई हमारी सरकार बनवा दो ब्याह भी करवा देंगे यार नौकरी भी दे देंगे तो वो की तो बागे भाई रहा होंगे तो सरकार का तो यही है यह, जैसे ठीक नहीं है जो गरीब वो छोरी वाला मामला करो? बिल्कुल। नार्को टेस्ट में तो कोई नहीं है दोनों करवा हाँ, दूद का छोरी अगर गलत है झूठ बोल रही है तो उसने जेल में गेरो बिल्कुल अरे इसने अगर गलत कर रखे इसके जूते मारे मार गए इसने जेल में गेरो बिल्कुल क्योंकि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है लेकिन ये मुख्यमंत्री नु कहे बोला बोले आरोप लगाने से कोई दोषी नहीं होता अरे मुख्यमंत्री को कोई समझानिया हो ये जेल भरी पड़ी है आरोपों से ही

आ, अपना ये दहेज का है बहुत से केस ही निकाल इतना ज्यादा मिसयूज है ये जेलें भरी पड़ी हैं मिसयूज करने वालों के ऊपर सरकार को ये बनाना चाहिए इन के ऊपर क्योंकि ब्लैकमेलर बहुत हो रहे हैं बिल्कुल तो वो ब्लैकमेलर्स जो है ना उनका काम हो जाता है लेकिन मैं सब तया बात को ये, ये डरने की जरूरत नहीं है जब आप सही हो तो डरने की जरूरत नहीं है और सरकार को देखना चाहिए जिस बंदा थी आपका ऊपर यू धारा लगवाई थी सुनना आई है आपते अलग भी सत्रह जने केस करके देख लिया उसका तो काम है भाई है। जिसका काम है धंधा है दलाली भी तो धंधा तो है ना किसी ने किसी ने किसी ने किसी की कि दलाली आ, एक रहे कि जो दलाल ना एक होता है कि लिए, अपना जायज उसका वो लेता है एक फिर उसने दलाली कह दिया वे करे हैं लोग जो मैं सब भाई इन मैं के दे रहा है भाई का का, की की के उसके साथ होता है ये नहीं कहता नहीं होता होता है बिल्कुल लेकिन जिनका वो है ना वो तो थाने तक पहुंच नहीं पाते और हम तो लड़निया आदमी है हमने तो लड़ाई लड़ी है हमें किस्से के ऊपर इस तरह की जो चीजें हैं जैसे मैंने पता चला था वो के नाम है उसके अरस के ऊपर भी हो रहा था तो गलत है ना क्या मतलब है भाई अगर आग ने गलत कर रखी तो है तो फिर ठीक है तुम गए ढूंढ ढूंढ कोई चीज कोई आदमी काम करने लग रहा है उसने कर दो भाई कोई गलत करे है तो न्यू तक देखो ना गलत करे है जब बता पकड़ो खाम खा जित बात दलित गया भाई दलिता घर टूट सिंहपुर वाला मामला है दस बजा लिया में सरकार गेला लड़ाई है सीधे उड़े कितने काम है भाई उड़े दलित का ही तो मामला है तो मेरे भाई मेरा तो यो ही मानना है मैं तो सब तब सारे भैया भाई यही बात कहूँ लड़ाई लड़ो उस बाबा साहब ने तो संघर्ष था तो संघर्ष लो दलाली थोड़ी करी थी दलाली थोड़ी शिकाय थी संघर्ष शिकाया था बिल्कुल जो आपका गल है चक्कर नहीं बढ़ा सकते जी जो आपका थोड़े से मैंने खिलाफत में, में रवे हैं उनका कहना है कि नवीन जैन अपनी राजनीति का विस्तार ओडाकरण लाइक रहे उला टाइम में तो जगह बनानी है यार एक बात बताओ जिन ये भाई जो भी कहे हैं ना कोई बात ना किसान कह दे सब की अपनी अपनी दुकान चला रहे होंगे चला लेने दो उनको इस बात का शायद पता नहीं है अगर मैं जो चीज़ें छोड़ गया आया हूँ वो शायद कोई जन्म लाग जाएंगे उन्हें उस जगह तक तो पहुँचने में और अगर मैं ये चीज़ ना छोड़ता मेरे पास अगर मैंने पैसे कमाने होते तो इस बात का नहीं बेहरा कि आज कितने विधायक हैं कितने मंत्री एम पी एम एल ए जो भी हैं जो जिन लोगों को हमने कह सकें हाँ वे जागे बूझ नवीन जगह के है तो भाई इन कहने न की फर्क पड़ा यार जाना हो मन ने हम जाना हो आज सरकार है विपक्ष से कितने चला जा है मैं जहाँ खुद था जो चीज़ हमने अपने हाथ पे बनाई थी उड़े तो सब कुछ था मैं ओवरऑल था तो जब चीज़ें हमने उन चीज़ें नहीं टेस्ट आया और जब हम कर रहे हैं सामाजिक काम कर लग रहे हैं सीधे सामाजिक हैं इनका तो जनता की आवाज ठाना है उसके बाद कोई के मैं कह है तो कह दे उन चीजा तो मेरा फर्क नहीं पड़ता लेकिन मैं न्यू बताऊ किसी भी आदमी के ना पूरा इतिहास जानना चाहिए उसके बाद टिप्पणी करो कि मैं बना के मैं जाने यार कोई के मैं कहे जा है तो भाई किसी का गैस बनी रहे पेट में वो मुँह के बड़ काट दे है आवाज जीब सब कह कोई क्यों मैं बोल लो आवाज़ ठाने के लिए सरकार के खिलाफ सरकार की पॉलिसियों के खिलाफ

यार हुड्डा कौन है दस साल का मुख्यमंत्री इतने एमपी उनके बाबू बेटा दादा सब वो मेरा बाबू था उस बाबू दादा मेरा फौजी था और भाई हमारे सारे बेरोजगार चाचा ता कोई पुलिस में मास्टर वास्टर ये छोटे मोटे वो तो मैं अगर बोलूँ हूँ उनको ये बताओ जाके जो ये कहे है ना अक जेल में जाकर जाओ जितने केस मेरे पिलाए रहे उनकी तारीख तारीख बोत लो और उनने जानकारी या दे दियो जब साहब दस साल थे ना तो जब दस साल मुख्यमंत्री थे तो छह केस थे हुडा साहब के खिलाफ मेरे प्रोटेस्ट करे उड़े इन ग्यारह मई तो को बात फिर मेरे मुंह मत तू मैंने मैं बुंडी होगा मतने बुन्डी लेखड़वा देखा लग रहा है कुतरुआ ने क्या कहूँ बता जिसने जब मैं नुत कू किसी भी आदमी के बारे में आप बोलो हो किसी के भी बारे में आप ये बात बोलने पहले नू देखो के है वो आदमी

अमृत थे कितना ठेके ले रखे किस तरह ठेके लिए कोई इंक्वायरी करवा लो ना मेरी उड्डा साहब थे हडे दस साल था मैं क्या फायदा ठाना होता थे, था हाडे था, भी कुछ ना होया इब होयास वाले यो बीजेपी का आदमी है हमने बुलायो दाप बढ़ता है यार दबूंगा यार इतने बड़े आदमी ने जिनके तीस तीस एम एल ए इतनी बड़ी पार्टी उसने मैं दाब दूंगा के है? फिर कांग्रेस वाले तो बीजेपी का कहे बीजेपी वाले नुकह कांग्रेस का है इसने तो बोला ना कांग्रेस वाले चढ़ा रहे हैं बोला ये देते होंगे कि मैं मैंने कहूं उड्डा साहब भी दे दो कि मैं और खट्टर साहब भी दे दो, दो कि मैं दोनों जो भी देंगे ना मैंने जो भी पैसे देंगे कति एक एक पैसे का हिसाब दे दूंगा कितने अपने पर्सनल यूज में नहीं करूंगा अरवालों का सेवा में काम में लाऊंगा दवा दो भाई तू दवा दे मैं तो खुला कहने लग रहा अरना तेन तो कह दम हमने दे रख्या है तो मैं या फिर मैं मैं फिर तो सारे दे भाई मैंने मैंने तो कांग्रेस वाले भी रखिए दे ਅਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਫ ਤੇ ਪਤਾਓ ਇਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣ ਤੇ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਰਾਈ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਾ ਰਾਈ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਸਭ ਕੇ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਚੱਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਿੜਦੇ ਜੀ ਸਭ ਕੇ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿੜਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ ਹਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਹਾਂ ਔਰ ਆਰਤੀ ਸੁਣਨੀ ਆ ਪੇ ਵੀ ਡਿਸਲਾਈਕ ਦੇ ਦੇ ਹਾਂ ਮਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਠੀਕ ਬਾਤ ਹੈ

पंडिता की बात आओ तो पंडित से जाट बात हो तो जाट से दलित ही आओ दलित ही आओ गुजर आई आओ तो गुज्जर ठाकर हो तो ठाकर हम तो सब कुछ है सीधी बात है हमने तो इतना बेरा कि जनता की आवाज़ ठानी है उस जनता की आवाज़ ठाती है हमने नहीं ना देखना कौन सी बिरादरी है की है के नहीं है सरकार रहो ना रहो कौन मुख्यमंत्री बनो ना बनो हम तो एक बात कहें हम तो जनता की आवाज़ उठाओगे जनता के मुद्दे उठाओगे जितनी हमारी कैपेसिटी है और मैं तो सब तया बात कहूँ हर जगह जो भी हैं खासकर नौजवान साथी हैं संगठन है अलग अलग की सब को अपनी आवाज़ ठानी चाहिए आपके लिए सरकार आ सेटिंग करके नहीं असली आंदोलन करो लड़ाई लड़ो ताकि जनता को फायदा पहुँच जाए और इब जो मान ली हम या बरात का लाग रहे हैं इसमें है हम सीई टी क्वालिफाई कर दो क्या डिमांड है ये बताओ बिल्कुल एच टेट आजीवन कर दो इसमें की डिमांड है दूसरे स्टेटा ने कर रहे क्या है भाई भर्ती कैलेंडर जारी कर दो तुम यार आठ आठ साल तय सात सात साल तय भर्ती लटकाए रहो क्या फ़ायदा है

बोले हमने कहते समान वेतन देंगे आज तक लागू नहीं होगा भाई ठीक वह बात ठाई हमने जेल में गया। जेल वार्डन बोले अग भाई मारी भी कही थी तनखा की नहीं बढ़ाई फिर कह दिया दुर गया बोले अरे नाने तीन जाडे ताता पानी भी कौन है और फिर मैंने बयान देखे मतलब वो ना बताया कि भाई पैरोल टाइम पे मिलती नहीं है कोरोना की छुट्टिया का मामला था वे नहीं जोड़ी फिर मैंने बयान देखा अपने चौटाला रणजीत चौटाला साहब का जेल मंत्री है वो अग्नि नहीं, नहीं हमारी जेलों में तो सुविधा वो फलाना दगड़ा अरे भाई मैं जो बात कह रहा हूँ ना उसका जवाब दे गोड़ मत करे जो पूछा गया क्या गर्म पानी मिलता है यार सत्तर परसेंट लोग वहां निर्दोष पड़े हैं तो कोई दो साल तीन साल पांच साल अगर बरी हो सरकार क्या मुआवजा देती है उन लोगों को फिर है तो ये कहना अगजेल जेल में हम न्यू मान लिए सारे पापी हैं ऐसा नहीं है वो बाहर नहीं लग रहा बार जेल के बाहर लिखा होता है पाप से घृणा करो पापी से नहीं तो मैं खट्टर साहब से घृणा नहीं कर रहा खट्टर साहब के काम से कर रहा हूँ हालांकि वो पापी हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो पापी मुख्यमंत्री हमारे खट्टर साहब लेकिन मैं उनके काम तक गिरणा करता हूँ मैं तो उन तो नहीं करता तो भाई जो अंदर पड़े हैं निर्दोष लोग हैं कह दिए नहीं बोले भाई साहब आज तय हमारी किसी ने आवाज नहीं उठाई तो हमें तो देख का आया मैं अपनी आंखों से देखा है यार थारा तो था, खाओ पियो दो भी गर्म पानी दे उन नानना भी नहीं पंद्रह पंद्रह बीस बीस महीने में एक एक महीने में जाकर नहाए लोग तो भाई साहब ये है तो सारी की सारी बातें आपने मेरे हिसाब से जान भी ली हैं क्लियर भी हो गई हूँ लेकिन अगर आपका मन में किसी तरह की कोई शंका है कोई संकोच है कोई मन में सवाल है नीचे कमेंट बॉक्स में आप वो सवाल ज़रूर लिख दियो नेक्स्ट जो इंटरव्यू होगा आपका सवाल ज़रूर उसमें ऐड कर आपकी कोई समस्या हो अरे एक बात और बताऊँ भाई मैं चौदह तारीख जनवरी मकर संक्रांति के दिन सारे आ जाइयो न्योता है बेरोजगार की बरात है और बूढ़ा ला गएंगे थापे तो बूढ़े भी और जितने जिन की जिनकी शादी हो रही है कोट पैंट दरिया होंगे थारे शेरवानी दरिये इन कुवार ने दे दियो वे पैर गए बढ़िया तैयार हो होकर आइयो और अकेले बेरोजगार की बात नहीं जिसकी जो भी समस्या है अपना बैनर बना के लाइयो अपनी तख्ती बना के लइयो बारह बजे मानसरोवर पार्क रोज तक चलेंगे और बीजेपी का जो मुख्यालय है उड़े जाओगे भाई तो सारे भाई तो मैं तेनों हूँ चाहे कोई किसने किस रल किस समस्या है सरकार ते वे सारे आ जाइयो और मैं न्योता तो दे रखे यार झूला न्योथर हाँ कद नहीं सोचो हाड़ गुलाब जामुन मिलेंगी अपनी रोटी खा खाइ और बांध लाई क्योंकि जूठे श्वासन मिलेंगे क्योंकि छोरी सरकार की है हाँ, टेंट की कैमरा व्यवस्था कर हो, ना दी करवा लियो पहले बता दियो कितने आओगे ताकि सरकार मुख्यमंत्री साहब तो बतानी पड़ेगी ना इतने, इतने आँगे। बराती आओगे इतने बटे हुए आओगे हाँ बढ़िया ड्रेसअप होगा यो बराती किस भी टाइम बटे में तब्दील हो सके हाँ बिल्कुल उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए कदम भी वीडियो ने शेयर कर दियो ज्यादा से ज्यादा क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक यह पहुंचेगी तो ज्यादा से ज्यादा इसलिए कह रहा हूँ देखो खेल कोटा वापिस करा था कोई बोलिया नहीं था हमने वापिस करवाया हजारों खिलाड़ियों को फायदा हुआ दादा दुली की जब बारात निकली तो दो लाख बुजुर्गों को फायदा हुआ बिल्कुल मैं रिजल्ट बता रहा हूँ इन चीजों के ये तो मोटे रिजल्ट हैं जब दलितों के घर गिराए जा रहे थे यहाँ पे अब में वो गराज तक नहीं गिराए गए रुके ना बिल्कुल हैं तो इसलिए हम रिजल्ट भी देते हैं रिजल्ट जब आता है जब आप उस चीज को प्रॉपर तरीके से वो तो करते देखुण। हो और तो इसलिए सारे आइयो हो किसका नंबर पड़ जाए कौन सी चीज सरकार मान ले क्यूँकी सरकार का दबा हम तो बंगड़ ले गए छोटा ले गए पाचे लाग रहे हैं खर होना पड़ेगा हाँ मिलाहा किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम जय जवान जय किसान राम राम भाई